आपको ठीक से याद तो है ना शायद रुस्तम, कि आपके मुल्क को जाने वाला दरवाजा इसी लाल मिट्टी के मैदान से होके जाता था। बेशक हमें याद है, उन दो चट्टानों के बीच में एक चमकीला और खूबसूरत दरवाजा था। लेकिन अभी अब ऐसा कोई दरवाजा तो दिखाई नहीं दे रहा हमें। तो फिर वो वहां सफेद सा क्या चमक रहा है? आओ चल कर देखते हैं। नहीं शहजादे हातिम, लगता है वो रास्ता किसी ने खत्म कर दिया। इन चट्टानों के पीछे कभी कोई समुद्र था ही नहीं। लेकिन 300 सालों में ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ कोई जलजला आया हो। बड़े बड़े तूफानों के आने से अक्सर ऐसे फेरबदल हो जाते हैं। अगर तूफान आता तो वो चट्टाने, ये लाल मिट्टी का मैदान, ये भी तो बदल जाता। और ये पत्थर का बुत, ये हमने पहले कभी नहीं देखा। हमें अफसोस है कि हमारी वजह से आप सबका कीमती वक्त बर्बाद हो गया। नहीं रुस्तम, ऐसा नहीं है। अपने दोस्त के होते हुए तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है रुस्तम। आप इरशान के शहजादे थे, हो और हमेशा रहोगे। और अब अपनी इस मायूसी को ठोकर मारो। ये हुई ना बात, चलो। शहजादे रुस्तम, इतने सालों से हम बैठे यहां आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमें मालूम था आप एक दिन जरूर आएंगे हातिम के साथ। सलाम बाबा। लेकिन आप ये पत्थर का बुत कैसे बन गए? चुड़ैल रेहाना, उसी की वजह से हमें ये रूप लेना पड़ा। सौहरताल से आजाद होने के बाद रिजवान ने हमें बताया कि रुस्तम वहां एक शीशे की दीवार में कैद है। वो आपको आजाद करने के लिए हमसे मदद मांगने आया था, लेकिन अफसोस कि हम उसकी कुछ मदद कर पाते इससे पहले वो चुड़ैल रिहाना यहां पहुंच गई और उसने आपके अब्बू पर जोर डाला कि वो उसे आपके बारे में बताए। लेकिन जब आपके अब्बू ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उन्हें एक बोतल में कैद कर दिया। और उससे अपने आप को बचाने के लिए
हमें ये रूप धरना पड़ा। और ये भी तय था जिस दिन एक नेकी का फरिश्ता हमारे सामने आएगा हम अपने असली रूप में वापस आ जाएंगे। लेकिन बाबा वो दरवाजा वो हमारी ताकत के डर से जाते जाते उसने इरशान के दरवाजे को अपनी जादुई ताकत से गायब कर दिया और उसे करिश्माई सवाल की दुनिया में छुपा दिया। बाबा कहां मिलेगा ये करिश्माई सवाल और वो इरशान का खोया हुआ दरवाजा? करिश्माई सवाल को हराना इतना आसान नहीं है आतिम, वो बहुत ही शातिर है। बाबा मेरे पास सच्चाई और नेकी की ताकत है और आप जैसे दानिशमंद फकीरों की दुआएं, मुझे किसी चीज का डर नहीं। आप बताइए कहां जाना होगा हमें। ये लो हातिम, ये एक जादुई रुमाल है, इसे जमीन पर रखते ही ये खूबसूरत कालीन में तब्दील हो जाएगा और ये तुम्हें करिश्माई सवाल की दुनिया में ले जाएगा। बाबा हमारे अबू अभी भी शहजादे रुस्तम, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आतिम आप चले। कालीन शानदार गुंबद है। क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं हम चोरी थोड़ी नहीं कर रहे, वो तो बाबा शुमारू ने हमें तोहफा दिया है। कमाल का रुमाल है, हमारे बहुत काम आएगा। अच्छा
तरफ तलवार का नमूना, दूसरी तरफ बिल्ली की तस्वीर। क्या अजीब दुनिया है ये, हर तरफ अक्षर और गणित के अंक। ये सारे अंक हवा में ऐसे उड़ रहे हैं जैसे हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। पता नहीं वो शुमारू बाबा ने हमें कहां भेज दिया। करिश्माई सवाल, कोई है? कोई है यहां? सामने क्यों नहीं आते? क्या चाहते हैं हमसे? अक्षर और गणित की इस अनोखी दुनिया का मालिक, मेरा नाम है करिश्माई सवाल। हातिम, शहजादे यमन, यहां क्यों आए हो? मरने? साथ में इतने सारे साथी भी? जीना और मरना तो ऊपर वाले के हाथ में। हम यहां ईशान मुल्क को जाने वाले दरवाजे की खोज में आए, जिसे यहां चुड़ैल रिहाना ने कैद करके छुपा दिया है। सुना है तुम बहुत ताकतवर हो, बड़े से बड़े पहाड़ भी तुम्हारे सामने सर झुकाते हैं, लेकिन बरखुरदार ये ताकत नहीं, दिमाग की दुनिया है जिसे मैं चलाता हूं। तुम्हारी ताकत यहां किसी काम नहीं आएगी। ये देख रहे हो, ये अक्षर, ये मात्राएं, ये गणित के जादू अंक, ये सब मेरी उंगलियों पर चलते हैं, मेरे इशारों पर चलते हैं। मैं कहूं आ जमा गा तो आग जल जाती है। मैं कहूं पा जमा नी तो पानी बरसने लगता है। और मैं कहूं हा जमा वा तो हवा चलने लगती है। और जब इन अक्षरों से मेरा मन भर जाता है तो मैं इनमें गणित के अंकों का जादुई रंग भर देता हूं। गणित का वो अजूबा हूं मैं जो किसी से भाग नहीं होता।
लाख कोशिश करे घटाने की पर कमबख्त घटता नहीं, और जो मुझसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है, और जो मुझसे फरेब करता है उसे मैं का से कबूतर, खा से खरगोश और चा से चूहा बना देता हूं। इसलिए आखिरी बार समझा रहा हूं, लौट जाओ, क्योंकि मुझे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर मेरा इरादा तो जीतने का है, और एक बार जब मैं इरादा कर लेता हूं तो फिर पीछे नहीं हटता। तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? ऐसा ही समझ लो। अगर ये तुम्हारी जिद है, चुनौती है, तो मैं इसे मंजूर करता हूं हातिम। ये कौन सा खेल है तुम्हारा? मेरे साथी कहां गए? क्यों अभी से घबराने लगे हातिम? दरअसल मैं जिसके साथ खेल खेलता हूं उसे अकेले देखना पसंद करता हूं, किसी और के साथ नहीं। मुझे तुम्हारा ये खेल समझ नहीं आया, क्या है ये सब? ये तुम्हारा हार की तरफ बढ़ाया हुआ तुम्हारा पहला कदम हातिम। हार जीत का फैसला तो बाद में होगा, पहले तुम अपना सवाल तो पूछो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। गौर से देखो हातिम, दीवार पर 21 खाने और ये बालुए घड़ी, दिए गए वक्त में मैं तुमसे 7 सवाल पूछूंगा और तुम्हें अपने सही जवाबों से इन खानों को भरना है। बोलो तैयार हो? ये रहा मेरा पहला सवाल। ना हराने से हारती है, ना मिटाने से मिटती है, पर अंत में हमेशा वही जीतती है। तमो मौत दीज नगी दीज नगी जिंदगी चोसई, ये क्या हो सकता है? सच्चाई सच्चाई मौत जिंदगी सच्चाई, न हराने से हारती है, न मिटाने से मिटती है, पर अंत में हमेशा वही जीतती है। क्या हुआ हातिम, तुम तो पहले ही सवाल में उलझ गए। मौत जिंदगी से हारती है, जिंदगी मौत से हारती है, सच्चाई किसी से नहीं हारती। मेरा जवाब है सच्चाई। यह है मेरा दूसरा सवाल। इंसान जिसे करते हुए घबराता है फिर भी उसे दोहराता है, पर जिंदा रहे या मर जाए सजा उसकी जरूर पाता है। रीचो रीचो चोरी खाद खाद
धोखा 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 पापा यानी पाप। चोरी और धोखे की सजा तो जिंदा रहते ही मिल सकती है, लेकिन पाप की सजा मरने के बाद भी मिलती है। हाँ, पाप ही है। मेरा जवाब है पाप। ये रहा तीसरा सवाल। वो जो खुद पर इतराता है, अपने नशे में चूर खुदाई से टकराता है, जिसने बख्शी है उसे जिंदगी, खुद को उसी का खुदा बताता है। शैतान। फकीर। क्या सोच रहे हो आतिम? वक्त का ख्याल रहे, सवाल अभी और भी। हुस्न खुद पर तो इतराता है, लेकिन खुदाई से नहीं टकरा सकता। फकीर खुदाई से टकरा सकता है, लेकिन इन तीनों बात जिसमें सच हो, वो शैतान ही है। शैतान। मेरा जवाब है शैतान। बताओ ये हसन की मौत तुम्हारे सीने में क्या बनकर गड़ी? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं हातिम, अब तुम भी वक्त की रफ्तार को समझ लो। जवाब दो, दो जवाब। रास। तर्त। शूल। हसन की मौत मेरे सीने में शूल बनकर गड़ी है। अपना अगला सवाल पूछो। पांचवा सवाल। दौलत, शोहरत और ताकत की बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को चैन से मरने भी नहीं देती? जरूरत। नी, उ,
मांगी हूं। उम्मीद, ना तम ना तम ना तम तमन्ना तमन्ना जरूरतें पूरी हो सकती हैं, उम्मीद या तो पूरी हो सकती है या टूट सकती है, तमन्ना इंसान की तमन्ना कभी पूरी नहीं होती। तमन्ना, मेरा जवाब है तमन्ना। दौलत शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी इंसान की तमन्ना उसे चैन से नहीं मरने देती। जीत पर बहुत खुश दिख रहे हो हातिम। अब छठा सवाल जरा ध्यान से, ये रहा मेरा छठा सवाल। वो जो कल भी था आज भी है और हमेशा रहेगा। इस सवाल के जवाब के लिए मैं तुम्हारा और अपना वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। जवाब है वक्त, जो कल भी था आज भी है और हमेशा रहेगा। क्या हुआ करिश्मा, ये सवाल सोच में क्यों पड़ गए? अपना आखिरी सवाल पूछो। कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है तुम्हें खुद पर हातिम? अब दो आखिरी जवाब। सवाल क्या है? कैसा सवाल? मेरे सारे सवाल तो खत्म हो गए। ये कैसा मजाक है? कौन सा मजाक? कैसा मजाक? अरे सवाल मेरी शख्सियत से जुड़ा है हातिम। सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग। मैंने तुम्हें पहले कहा था ये दिमाग का खेल है, मजाक नहीं। दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ हातिम। देखो वक्त निकला जा रहा है, सोचो सोचो सोचो। लेकिन सवाल कहाँ है? मैंने कहा ना, सवाल मेरी पहचान से जुड़ा है हातिम। सोचो सोचो, देखो वक्त निकला जा रहा है, सोचो। याद करो, जब तुम आए थे तो मैंने सबसे पहले तुम्हें क्या कहा था, याद करो। गणित का वो अजूबा हूं मैं जो किसी से भाग नहीं होता, लाख कोशिश करे घटाने की पर कम वक्त घटता नहीं, और जो मुझसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। इसका मतलब गणित का एक ऐसा अंक जो किसी से ना भाग होता है, ना जमा होता है और ना घटा होता है, लेकिन उस अंक के टकराने से सब चूर चूर हो जाता है। लेकिन ऐसा अंक इन खानों में कहाँ है? अरे कितना सोचोगे हातिम, आखिरी पल आ पहुंचा। हो ना हो, जवाब इन्हीं खानों में छिपा, पर नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम हारने वाले हो हातिम, हारने वाले हो। वक्त को कैसे रोकोगे?
शून्य, सिफर, सिफर हो तुम। से निकलना होगा। चलो जल्दी इस दरवाजे से, चलो। सवाल ने हमसे कोई चलाकी की और धोखे से हमें इस रेगिस्तान में फेंक दिया। ये रुस्तम, मायरा और जुम्मन कहाँ है? मायरा, जुम्मन, जुम्मन, रुस्तम, रुस्तम, जुम्मन, जुम्मन कहाँ गए? मायरा, रुस्तम, अगर रुस्तम को रियाना ने अपने चंगुल में फंसा लिया हो तो या खुदा, अब तो ही उन सबका निगेबान है और हमारा सहारा भी। चलो जल्दी, हमें जल्दी से जल्दी रुस्तम तक पहुंचना होगा। चलो। लेकिन हातिम, हम वहां पहुंचेंगे कैसे? यहां तो दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन और आसमान एक हो गए, ना कोई सिरा ना कोई अंत। अरे हम तो भूल गए थे, हमारे पास ये है बाबा शुमारू का दिया हुआ जादुई तोहफा।
कालीन हमें यहाँ से बाहर निकाल के ले जाएगा। अरे वाह कासिम, चलो तुम्हें साथ लाने का कोई तो फायदा हुआ। अब जल्दी करो। कालीन, कालीन हमें इरशान मुल्क ले चलो। हाँ। पता नहीं हम हैं कहाँ, यहां से निकलेंगे कैसे? इतनी बड़ी चीन, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। इस कालीन की आंखें नहीं है क्या? सामने इतनी बड़ी चील है। ये चील नहीं, कोई शैतान है। तुम ठीक हो ना? लगता है वो हमसे बिछड़ गए और कहीं बहुत दूर रह गए। अब क्या करें रुस्तम? हमारे ख्याल से हमें अंदर अपने मुल्क में जाना चाहिए और हमारे अब्बू के बारे में पता लगाना चाहिए। शुमारू बाबा ने कहा था कि छुड़ैल रियाना ने हमारे अब्बू को बोतल में कैद कर लिया था। हमें उन्हें किसी भी तरह ढूंढ के छुड़ाना ही होगा। लेकिन तुम अकेले हो रुस्तम, अपने ही मुल्क में अब तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। सालों नहीं सदियां बीत चुकी हैं, क्या तुम कर पाओगे अकेले? डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। मायरा, हम अकेले कहाँ हैं? आप दोनों हैं ना हमारे साथ। कासिम, इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं। कालीन को नीचे उतारो, देखते ही चील क्या करती। मैं देखता माथे पे इतनी बड़ी कील। भाई भाई, ये बच्चा कौन है और कहां से आया? किसका है बच्चा? क्या इसे भी नहीं पता कि इस मुल्क में बच्चे महफूज नहीं हैं?
बेटा बेटा कौन हो तुम और तो यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ के बादशाह रिजवान के शहजादे रुस्तम हैं। बेटा बेटा यहाँ से भाग जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। यहाँ वो चुड़ैल, वो चुड़ैल रियाना कहाँ है वो बच्चा? छुपे थे अब तक? हम क्यों छुपे? मैं छुपने की कोई जगह थी। हम यहाँ से बात करे कान के शहजादे रुस्तम। कितना दर्द हो रहा होगा इसे। हाथ में रुको। अगर ये कोई जादुई चाल हुई हमें फंसाने के लिए तो अगर ना हुई तो भावना, मुझे हमेशा से अकेले सोने में बड़ा डर लगता था। पर जिंदगी का सबसे बड़ा डर अकेले सोने में नहीं, अकेले होने में है। जीवन साथी के जाने के बाद क्या मुमकिन है जीवन की नई शुरुआत? धीरे धीरे से 12 दिसंबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।